हवाले से पंजाब हुकूमत का एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और वो बड़ा फैसला ये है कि पंजाब हुकूमत का ईद के बाद रेस्टोरेंट्स खोलने का फैसला। जी हाँ, SOPs बनाकर वफाकी हुकूमत को भिजवाए जाएंगे, मियां इस्लाम इकबाल कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि रेस्टोरेंट जो है सितंबर के पहले हफ्ते और शादी हॉल्स SOPs के साथ खोलने का हमने फैसला कर लिया है। वजीर सनत पंजाब मियां इस्लाम इकबाल कहते हैं, ईद तक SOPs बनाकर वफाकी हुकूमत को भिजवाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत और दीगर सूबों को साथ मिलाकर फैसले करती है। जी हाँ, जब वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब पंजाब आए, तशरीफ लाए, यहाँ लाहौर तशरीफ लाए, तो उन्होंने बड़े अहम फैसले किए। उन अहम फैसलों में बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल थी। मैंने आपको जो है वो उस दिन भी बताया जिस दिन वो आए थे लाहौर, और जब उनके CM साहब से जो है वो 1-to-1 मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत सारी जो है वो मीटिंग्स की, बहुत सारी चीज़ों पे इशूज़ हुए, तबादला ख्याल हुआ। भी आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्मूथ होंगी, खुल के सामने आएंगी। फनकारों के मामलात हैं इसमें, मीडिया के जो है वो मामलात हैं और चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो है वो आगे बेहतरी की तरफ जो है वो जाएंगी, और ये अच्छी बात है, ये एक अच्छा इम्पैक्ट है। इसके अलावा जनाब आपको ये भी बताते रहें कि ईद उल अज़हा पे मस्जिद उल हराम को बंद करने का फैसला कर दिया गया है। ईद उल अज़हा सऊदी अरब में 2 हफ्ते की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, और ये 2 हफ्ते की जो तातीलात हैं